भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगरपालिका परिषद नीमच ईडब्ल्यूडीएस की 600 मकानों को आवंटित करने की योजना बनाई गई। वर्ष 2019 में लॉटरी सिस्टम से आवासहीन नागरिकों से 40,000 रुपए एंट्री करवाकर मकान नंबर तक आवंटित कर दिए और अब बिना सूचना के उपरोक्त योजना को सरेंडर बताया जा रहा है और आवेदकों से कह रहे हैं कि आपकी जमा राशि वापस लीजिए, नहीं हम आपको आवास नहीं दे सकते हैं, जिसकी वजह से करीब 456 हितग्राहियों पर आवास संकट मंडरा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय सचिव श्री दिलीप सिंह राजपाल ने उक्त मामले को संज्ञान में लिया है। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग प्रदेश प्रभारी श्री महेंद्र सिंह वोहरा और प्रदेश अध्यक्ष श्री शेख अलीम के दिशा निर्देश पर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के मंदसौर जिला महामंत्री श्री मजहर खान प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री आवास योजना संघर्ष समिति नीमच की बैठक में शामिल हुए और समिति सदस्यों की समस्याओं को सुना।